आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में अरकू घाटी के आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में अब हम परंग प्रजा या परांगी प्रजा आदिवासियों से मिलने निकले। विशाखापट्टनम जिले की कुल आदिवासी आबादी में परंग प्रजा का हिस्सा लगभग एक चौथाई है। विशाखापट्टनम से सटे ओडिशा जिले के कोरापुट में भी प्रजा आबादी है। एक मत ये भी है कि विशाखापट्टनम की अरकू घाटी में प्रजा आदिवासी ओडिशा के कोरापुट जिले से ही आकर बसे हैं। करीब 300 बरस पहले जीविका के बेहतर संसाधनों के तलाश में ये आदिवासी यहाँ की पहाड़ी ढलानों पर आकर बस गए। बहरहाल परंग प्रजा आदिवासियों को आंध्र प्रदेश में PVTG यानी आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। और इन आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में हम सबसे पहले पहुंचे कुलियागुड़ा गांव या बस्ती। पक्की सड़क गांव तक जाती है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ी नाले के ऊपर पुलिया नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत में विशाखापट्टनम जिले की अरकू घाटी के आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में आज हम एक और आदिवासी समूह से मिलने पहुंचे हैं, जिसको सरकार ने PVTG यानी आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। इस आदिम जनजाति समूह का नाम है परंग प्रजा। इस समाज की क्या खासियत है, क्या जीवन शैली है और इनकी जीविका के क्या सवाल हैं, इसके साथ साथ किस तरह से इन्होंने विस्थापन की लड़ाई को जीता, ये सारी चर्चा आज के एपिसोड में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इनके समाज को समझने की कोशिश करते हैं। कुलियागुड़ा कोई बड़ा गांव नहीं है, यहां करीब 30 परिवार हैं। लगभग सभी घर कच्चे हैं, जिनकी खपरेल की छतें हैं। घरों की छत थोड़ा आगे की तरफ नीचे आती है, जिसे नीचे से लकड़ी का सहारा दिया जाता है। इस तरह से घर के सामने एक बरामदे जैसी जगह बनती है, जो दिन में आराम करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहां बाकी आदिवासी बस्तियों की तरह घर की कोई बाड़ नजर नहीं आती है। लेकिन बेहद साधारण से इन घरों के दरवाजे आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। इन दरवाजों की चौखट काफी चौड़ी होती है और चौखट और दरवाजों पर कई तरह के रंग भी होते हैं। सभी दरवाजों पर नक्काशी भी दिखाई देती है। हालांकि इन दरवाजों के डिजाइन में कोई खास तरह की समानता या फिर परंपरागत चित्र जैसी कोई चीज नहीं होती, फिर भी इन घरों में ये दरवाजे खास नजर आते हैं। कुलियागुड़ा के प्रजा आदिवासियों के कई कुलों या कुटुंबों के परिवार रहते हैं। हमर घर कुटुंब फारंग प्रजा थे। हमर घर कुटुंब हमर कुटुंब में बोलेंगे ना, गोटो 10 घर, 5 घर, 7 घर, 8 घर मिसार बोले हमर कुटुंब खा बाटी। कुटुंब ते आर 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 बिन कुटुंब ते जाए करे, ये कुटुंब ते से कुटुंब जाए मिस बाका है ने, ये कुटुंब ले से कुटुंब के जी बाका है ने। नाम क्या क्या हैं आपके जो अलग अलग कुटुंब हैं? पांगी घर, खरा घर, सामर्टी घर, खिल्लो घर, सुहाबी घर, श्रीगाम घर, बुर्डी घर,
अंताल घर जरा 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 घर। प्रजा आदिवासियों के कई कुल या कुटुंब के नाम आमतौर पर जंगली जानवरों के नाम पर हैं। मसलन कीलो यानी बाघ, कोरा यानी सूर्य, समारिडी यानी भालू, ओंथाला यानी सांप, पांगी यानी चमगादड़, गोलारी यानी बंदर और किमुदू यानी भालू। प्रजा आदिवासियों के सामाजिक जीवन का ताना बाना इन कुलों या कुटुंबों के इर्द गिर्द ही बनता है। पांगी लोग नहीं श्रीगाम लोग विवाह थांकर ननी आमुआनी कर आम फोर लाले थांकर ते ननी रही ननी लाले आम सुर नहीं कर इंडी कर आनी कर ताके विवाह कर बार खाई ताके मांगी कर से आनबार न मांगते जाकर आनले कि ना ताक मन खान न रोले आर बीन कर उठी जब दे ताके विवाह कर बार बोले गोटे पाँच फुटी कि दस फुटी साउल मिड़ाई बार आर सेड़ी मन मिड़ाई बार आर कूरा कायल सेटा मिड़ाई कर आर सेटा कुटुम के आमर कुटुम केते दूर के रही सी कुटुम के जाय करी आर आम खबर खबाटाल खबर खब खार्ड माराई बाटाल खार्ड माराई करी पालन आगे एत तारिख कर बाट बोली करी से तारिख तले खोई करी आर से कुटुम जाय करी आइले कि ना से दिन से विवाह है। प्रजा आदिवासी प्रजा भाषा बोलते हैं, लेकिन अब इनकी भाषा में ओडिया और तेलुगु के शब्द खूब इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि गैर आदिवासी समाज के संपर्क में आने से इन आदिवासियों की एक नई भाषा बन गई है या बनने के रास्ते पर है। कुलियागुड़ा गांव में मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहां बिजली पहुंच गई है, लेकिन इसके अलावा स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र या फिर पीने के पानी की व्यवस्था यहां नहीं है। गांव के लोगों के लिए पीने के पानी की बात करें तो गांव के कुएं का ही सहारा है या फिर झरने का पानी विकल्प है। So whole village take water from you? Yes. पूरा गांव यहाँ से पानी पीता है? पूरा गांव यहीं से पानी पीता है। परंग प्रजा आदिवासियों के कुछ गांव जो शहर के नजदीक हैं, वहां हालात थोड़े बेहतर नजर आते हैं। मसलन वहां पर बिजली, पानी, आंगनबाड़ी और स्कूल जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। आदिवासी आबादी के लिए ये बहुत ही मूलभूत सुविधाएं बड़ा फर्क लाती हैं। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां मलेरिया, दूषित पानी से होने वाली बीमारियों के अलावा कुपोषण में कमी नोट की जाती है। हमके जगरी कूरा कायल और बिरसु मिसा देव तना सारी गवर्नमेंट लोकु आर सरते कूरा कायल गेनी कोरी रान दिया बेलतै एबे के बरसे कोला कूरा कायल और बिलु मिसा देव तना जीतल काई की चैत मासरा पकाइला एबे जगरी बैसा मासरा पका नै आइता जे आर खाइटा मिसा हमके सारीगा सदुपायम देखन नै डिम्बू गुडलू पापू सरते देइतलै एटा मन उकड़ाई दिया बेलतै पापू मिसा समय हमके फरा डिम मिसा समय हमके उतराइतलै समय हमके नै टाइम टाइम के काट में सरगा आंदू बाटते ना हम के। लेकिन दूर दराज के गांवों में हालात अच्छे नहीं हैं। ये ग्राम लो स्कूल विद्या के चाला दूरम अंड चदू कोडने की चाला इबंद करमने परिस्थिति एंदुकंटे पाठशाल भवनम कूडा लेदु अयिते मेमु उन्ना 20 ఆల్టర్నేటివ్ పాఠశాలలో
ఒక టీచర్ అనేది ఉన్నారు టీచర్ అక్కడ చదువుకోవాలి మీరు చదువుకుంటే అనేక రకాలైనటువంటి పిటిజిల్కి గవర్నమెంట్ నుండి స్కీములు అనేది వస్తున్నాయి అనేసి వాళ్ళకి అవగాహన చెప్పడం అవగాహన చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే అంగన్వాడీ అంగన్వాడీలో కూడా పిటిజిల్కి పౌష్టికారం అంటే అందరికీ ఇస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ మీకు కూడా పౌష్టికారం అంటే గుడ్లు కానీ అంగన్వాడీ ద్వారా పౌష్టికారం అందుతున్నాయి మీరు జీరో నుండి పుట్టిన వెంటనే ఆరు నెలల వరకు ఆరు సంవత్సరం వరకు మీరు అంగన్వాడీలో పౌష్టికారం అనేది తీసుకోవాలనేది కూడా మేము అవగాహన అనేది చెప్తున్నాం వీళ్ళకి అలాగే ఇక్కడ పొడి వ్యవసాయానికి ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతంలో పీటిజీలు కావచ్చు మీ ఇతర జాతులు కూడా ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు వీళ్ళకి ప్రభుత్వం పట్టాలు అనేది ఇవ్వటం లేదు వాళ్ళకి పట్టాలు ఇస్తే కనుక ఎక్కువగా వీళ్ళు పొడి భూముల మీద ఆధారం చేసుకుని జీవిస్తున్నారు వాళ్ళకి పొడి పట్టలు కనుక ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువగా ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది सो परंग प्रजा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अलग अलग स्तर पर है जहां पर इन आदिवासियों की पहुंच कुछ संसाधनों और सुविधाओं तक हो रही है उनकी जीवन शैली में एक बेहतर फर्क दिखाई देता है दूसरी तरफ दूर दराज के गांव हैं जो पहाड़ी ढलानों पर जंगल में बसे हैं यहाँ की बस्तियों में जीने का न्यूनतम सामान भी नजर नहीं आता है नहीं तो बाबू नहीं गोर और प्लस ये टाइगर से मिट कर आते तोर भाई तुम संता के बंदी प्लस हाँ संता के यार गोर मिट करा घर नहीं था दे भाई किन्न दे आगे बोले तार तोर भाई से बंदी आते गैस मिट कर आते परंग प्रजा आदिवासी धीरे धीरे स्थायी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं हालांकि खेती किसानी की उनकी तकनीक अभी भी काफी पिछड़ी हुई है लेकिन उत्पादन में मामूली ही सही बढ़ोतरी हो रही है ये आदिवासी धान के अलावा अपनी परंपरागत फसलें भी पैदा करते हैं काय अटकलानी मंडिया बनलानी दान बनलानी और काय करवारी कसलानी दुललानी और काय टा करसी तोर भाई डोंगर कोडक बार काय टा करसु ता काय जितम पाटी की काय नोकर पाटी जकलानी तोर भाई दि लागे खेती किसानी के अलावा अरकू घाटी के आदिवासी जंगल से मिलने वाले कई तरह के उत्पाद जमा करते हैं इसमें अड्डा पत्ता इमली शहद जामुन और कई तरह के दूसरे फल होते हैं सब्जी बनाएगा जंगल से लाया है इसके अलावा इस इलाके में आम खूब होता है और यहाँ की महिलाएं बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन आम पापड़ तैयार करती हैं। आरकू घाटी के आदिवासी गांवों में आम खूब मिलता है यहाँ पर तरह तरह का आम होता है बहुत खट्टा खट्टा मीठा या बहुत मीठा आम भी यहाँ पर होता है हमने रास्ते में चखा और आप देख सकते हैं कि यहाँ की आदिवासी महिलाएं जो हैं वो इस तरह से आम पापड़ तैयार करती हैं जो बहुत स्वादिष्ट होता है शहर में आपने कभी ना कभी ज़रूर इसको चखा होगा लेकिन अफसोस की बात यह है कि आदिवासी महिलाओं के को इसके उचित दाम नहीं मिल पाते हैं जब बाज़ार में ये आम पापड़ बेचने जाते हैं तो 10 रुपये प्रति किलो यानी कि 10 किलो आम पापड़ का मुश्किल से 100 रुपया इन आदिवासी महिलाओं को मिल पाता है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या इस तरह का इंतजाम नहीं है कि इन महिलाओं से सीधा ये आम पापड़ खरीद कर उसको मार्केट किया जा सके ये
अर्कू का साप्ताहिक बाजार इस इलाके का सबसे बड़ा बाजार है। करीब 20 से 25 हजार आदिवासी हर सप्ताह इस बाजार में आते हैं। आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियों का ये सबसे बड़ा केंद्र कहा जा सकता है। आदिवासी यहाँ पर अपना सामान बेचते हैं और अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। ये बाजार ही आदिवासियों के लिए तफरी या सैर सपाटे की एकमात्र जगह भी कही जा सकती है। दरअसल ये बाजार आदिवासियों और शहरों के बीच की एक अहम कड़ी है। इन बाजारों से होकर आदिवासियों की खेतों की फसलें और जंगल से मिलने वाले कई उत्पाद शहरों तक पहुंचते हैं। आदिवासी इलाकों में एक खास बात यह होती है कि यहाँ ज्यादातर किसान रासायनिक खाद या जहरीली दवाई अपनी फसलों में इस्तेमाल नहीं करते। जाहिर है ऐसे उत्पादों की शहरों में अच्छी मांग भी है और उसके अच्छे दाम भी मिलते हैं। That people cultivate millets and other small agriculture grains only, sir. And also they are depending NTFE products, sir, non-timber forest produce. Okay, they are collecting this particular forest produce and some process is there. Finally, once a day. Friday, Aruku is sandy days. That's why it's bazaar weekly day. Market. Weekly market day. That day, they are comes to market and sell their products, sir. In our area, GCC is there, sir. Girijan Cooperative Society is there. These people are buying that product, sir, actually. But all producers are not buying the GCC, sir. Mainly tamarind and turmeric. Some recently coffee products. These products are buying GCC, sir, from tribal people. साप्ताहिक बाजार में आने वाले आदिवासी अभी भी मोटे तौर पर वस्तु विनिमय पर ही निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आदिवासी रुपए पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यह इस्तेमाल सीमित है। ये आदिवासी अपनी फसलें और जंगल से मिलने वाले उत्पाद साप्ताहिक बाजार में बेचते हैं और जो पैसा इन्हें मिलता है उससे कपड़े, बर्तन, श्रृंगार का सामान या फिर दूसरी जरूरी चीजें खरीदते हैं। ऐसा शायद ही कभी होता है जब ये आदिवासी इस बाजार से पैसा लेकर घर जाते हैं। आरकू मंडल के कम 20 से 25 हजार आदिवासी किसान हर सप्ताह अपनी फसल और जंगल से मिलने वाले उत्पाद लेकर इस साप्ताहिक हाट में पहुंचते हैं। इस उत्पाद और फसलों की मात्रा कई सौ टन में आंकी जा सकती है, लेकिन यहां पर ये आदिवासी किसान अपनी फसलों को बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। यहां पर इस बाजार में किसी तरह की कोई ऐसी कोशिश नज़र नहीं आती है कि कम से कम आदिवासियों को जंगल से मिलने वाले उत्पादों या फसलों के सही दाम मिल सके। कई सरकारी संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो आदिवासियों को इस तरह का प्रशिक्षण दे कि ये आदिवासी अपने उत्पादों को लंबे समय तक बचाकर रख सकें
या फिर अपने उत्पादों के सही दाम इन्हें मिल सके। लेकिन इस सिलसिले में चलाए जाने वाले कार्यक्रम रस्मी ज्यादा रहते हैं, जमीन पर इनका लाभ बेहद सीमित दिखाई देता है। Actually, we can give some awareness program on NTFE production, which time is best for collecting, how to preserve the product. This is a primary requirement training programs for this product preservation, sir. The preservation techniques, they don't know. They can collect any time from the forest, sir. That's why they cannot fix the better price, sir. We can give some training program, which time is best for collecting this product, which time is best for preserving this product. That is helps to increase the marketing rate, sir. Actually, our government concentrated that product that way, sir. That is helpful to increase in the NTFE marketing prices, sir. Indirectly or directly, that's also helps to increase our livelihoods also, sir. Lifestyle also. आदिवासी इलाकों में साप्ताहिक बाजार पर निर्भरता के कई कारण माने जाते हैं। इनमें से एक बड़ा कारण है कि आदिवासी आबादी दूर दराज के इलाकों में रहती है। और इनकी बस्तियां जंगलों और पहाड़ों में ज्यादा होती हैं। इसलिए यहां सड़क और यातायात के साधनों का अभाव रहता है। जिन इलाकों में सड़क होती भी है, वहां यातायात या परिवहन सेवाएं मुनाफे का सौदा नहीं होती। ऐसे में सप्ताह में एक बार बाजार जाने के दिन यहां परिवहन सेवाएं उपलब्ध होती हैं, क्योंकि इस दिन बड़ी तादाद में सामान और सवारी ढुलाई का मौका होता है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार में हर तरह के सामान की मांग होती है और आदिवासियों को अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है। लेकिन इन साप्ताहिक बाजारों में सौदा गैर आदिवासी खरीदारों और विक्रेताओं की तरफ झुका रहता है। फिलहाल मैं भी भारत में पोरांगी परजा आदिवासियों से विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन चलते चलते इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिन वजहों से इन आदिवासियों को आदिम जनजाति यानी कि PVTG की श्रेणी में रखा है, वो वजह आज भी मौजूद हैं। हालात बिल्कुल बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आदिवासी कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए जो कानून बने हैं, इनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, वो ज़मीन पर लागू नहीं हो रही हैं। ना सिर्फ ये कि विशेष योजनाएं इनके लिए यहाँ लागू नहीं हो रही हैं, बल्कि अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरिया होने के नाते यहाँ पर जो आदिवासी अधिकार इनके होने चाहिए, संविधान जो अधिकार इनको देता है, कई मामले में उन अधिकारों का उल्लंघन भी नज़र आता है। फिलहाल मैं भी भारत की पूरी टीम को अनुमति दें, जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।